नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो है इंडियन ऑयल के वेबसाइट में। जब आप गैस एजेंसी में काम करते हैं तो इंडियन ऑयल बिज़नेस जो ऐप दिया हुआ है उसमें आप जब खोलेंगे, कभी कभी दोस्तों उसमें देता है बैकलॉग। ठीक है दोस्तों, बैकलॉग में जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 2 डेज़ बैकलॉग लिखा हुआ है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले इसमें 1 लिखा हुआ था, उसके पहले 0 था, अभी 2 डेज़ बैकलॉग आ गया। दोस्तों दोस्तों बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं कि बैकलॉग होता क्या है। तो दोस्तों उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं यहाँ बनाता हूँ, इसमें डालता हूँ। तो अगर आपको सबसे पहले ये वीडियो देखना है, जानना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आते हैं वीडियो पर। इसमें दोस्तों जैसे दिया हुआ है 2 डेज़ बैकलॉग, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, इस तरह से वो बढ़ता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके बुकिंग पर, आपका जो बुकिंग है वो पेंडिंग किया हुआ है, आपके बुकिंग के पेंडिंग के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से दिखा देता हूँ मैं इसको कैसे ओपन किया। मैंने सीधा इंडियन ऑयल बिज़नेस में क्लिक किया था तो ये 2 डेज़ बैकलॉग दिखा देता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बुकिंग रिसीव टुडे 28 दे रहा है दोस्तों, इसका मतलब बुकिंग जो है वो 28 हो गया लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों एवरेज के ऊपर। अगर महीने में 6 महीने में आपका अगर 600 सिलेंडर आप बेचते हैं तो 1 महीने आप 100 सिलेंडर बेचते हैं, तो 100 से अगर ज़्यादा आपका बैकअप हो जाता है, 100 से ज़्यादा अगर आपका डिलीवरी पेंडिंग रहता है या डिलीवरी होता है तो उस हिसाब से आपका बैकलॉग आ जाता है। जैसे दोस्तों देखो, मेरी इसमें 28 बुकिंग रिसीव्ड है लेकिन मैंने आप उसको अभी तक डिलीवरी नहीं दिया। अगर वही 28 डबल हो जाए, ठीक है दोस्तों, अगर 28 बुकिंग डबल हो जाए तो यहाँ पे 4 डेज़ बैकलॉग का आ जाएगा। इसमें दोस्तों परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस समस्या होती है ये जो TDT रेटिंग है दोस्तों, ये धीरे धीरे घट जाती है। जैसे जैसे बैकलॉग बढ़ता जाता है, डेज़ बढ़ते जाते हैं, TDT जो रेटिंग है ये घटते जाता है। तब IOC क्या करती है, आपको फ़ोन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके डिलीवरी को कन्फर्म कीजिए, क्योंकि IOC नहीं चाहती है कि ये जो TDT रेटिंग है, ये जो रेटिंग है ये घट जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि इसमें हमेशा 5 स्टार बना रहे। तो दोस्तों यही इसका काम है, इसका मतलब यही है। कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है हाँ, लेकिन आपको अपना जो कन्फर्मेशन है, डिलीवरी कन्फर्मेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।